ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। वहीं से हम क्लास डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो क्लास डायग्राम हमें बेसिकली बता रही है द क्लासेस इन अ क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट बोथ द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड और इंटरेक्शन इन द एप्लीकेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हीं को आइडेंटिफाई करके, उन्हीं को अंडरस्टैंड करके हम क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द हमारे पास उन क्लासेस के जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उन ऑब्जेक्ट के बेसिस में ही हम क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो क्लासेस और उन क्लासेस के रिलेशनशिप के हाउ दीज क्लासेस मीन्स हाउ दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लास डायग्राम्स आर नॉर्मली क्रिएटेड बिफोर द क्लासेस डिफाइंड। एक्चुअली क्लासेस जो हम अपने कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसमें एक्चुअली क्लासेस बनाने से पहले पहले हम क्लास डायग्राम डिजाइन करते हैं, सो दैट वंस क्लास डायग्राम हैज बीन फाइनलाइज्ड, सो दैट उस क्लास डायग्राम को देखते हुए हम क्या करें, हम उन्हीं क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन दे सकें अपने एक्चुअल कोड में। सो ये सेकेंड पॉइंट हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें बिफोर राइटिंग डाउन द एक्चुअल कोड हम पहले क्लास डायग्राम ड्रॉ कर लें, सो दैट जब हम एक्चुअल कोड राइट डाउन करना स्टार्ट करें सो जो क्लास डायग्राम फाइनलाइज हुई है, अप्रूव हुई है, उसको हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि हमें पहले से सारी चीजें पता हो कि व्हाट शुड बी द क्लासेस, व्हाट शुड बी देयर एट्रीब्यूट्स एंड हाउ दीज क्लासेस कनेक्टेड विद ईच अदर। तो वो जब सारी चीजें स्टैटिक स्ट्रक्चर हमें पता होगा, उसको हमें क्या करना होगा, सिर्फ कोड करना रह जाएगा, लॉजिक ऑलरेडी पहले से क्लास डायग्राम में डिफाइन हो चुकी होगी। They provide a guide to the programmer in implementing the code necessary to solve the problem at hand. ठीक है, आपको एक गाइड दे रहे होंगे आपके प्रोग्रामर को या डेवेलपर्स को कि हाउ कैन दे इम्प्लीमेंट देयर कोड इजिली विद द हेल्प ऑफ क्लास डायग्राम। जब अगर लेट सपोज अगर डिजाइन मौजूद है तो इम्प्लीमेंटेशन में कोड करने पर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास क्या है मेरे पास, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक नेम। बेसिकली हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक क्लास को, और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स थ्री पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, वेयर द फर्स्ट पोर्शन रिप्रेजेंटेड टू द नेम ऑफ क्लास, सेकेंड पोर्शन रिप्रेजेंट ऑल द एट्रीब्यूट विच आर एसोसिएटेड विद द क्लास, एंड लास्ट पोर्शन एग्जिस्ट ऑल द मेथड्स फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू द क्लास। ठीक है, तो हम कोई क्लास जो बना रहे होते हैं तो सबसे पहले क्लास का नाम होता है जो कि यूनिक होना चाहिए, कन्वेंशनली स्टार्टिंग विद एन अपर केस लेटर। और हम यूजली ये क्या होते हैं कि हम क्लास का नाम एक अपर केस लेटर से कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, और क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए जो डिफाइन कर रहा हो कि वो क्लास क्या है। ठीक है, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो हम क्लास का नाम ABC रख दें, क्लास का नाम टेस्ट रख दें। ठीक है, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। अगर लेट सपोज मैं कह रही हूँ जो ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन वो ऑब्जेक्ट जिस सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हो तो वो हम क्लास का नाम रख सकते हैं। लेट से अगर मैं आप सब की बात करूँ तो आप सब कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्लास से, तो क्लास नेम शुड बी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जिसको सुन के आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं और किस टाइप का डाटा ये क्लास स्टोर कर सकती है। तो इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेट सपोज ऑब्जेक्ट वन एक स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट टू नेक्स्ट स्टूडेंट एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डबल बूलियन स्ट्रिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि आपको उस क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बता रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा टाइप्स। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट की क्लास की बात करूं तो वी हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द क्लास स्टूडेंट। लेट से स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का डिग्री प्रोग्राम होगा, स्टूडेंट की CGPA होगी। तो ये जो मैंने चार एट्रीब्यूट्स बताए इन ये चार एट्रीब्यूट्स किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे, सो वो जो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होगी दैट वुड बी द एट्रीब्यूट्स फॉर द क्लास। ठीक है, और उन वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए हमें डेटा टाइप बतानी भी जरूरी होगी कि अगर मैं नेम की बात कर रही हूँ तो नेम यूजली स्ट्रिंग की हमारी डेटा टाइप में यूज हो रहा होगा, सो स्ट्रिंग नेम इज द एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द क्लास स्टूडेंट। देन वी हैव अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड स्टूडेंट आईडी। अगर स्टूडेंट आईडी में हमारे पास कुछ कैरेक्टर नहीं है, लेट से STD123, तो अगेन वो स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट होगी। और अगर सिर्फ नंबर्स हैं, जैसे आपकी स्टूडेंट आईडी जो सीरियल नंबर वो सिर्फ नंबर है, तो उसके लिए फिर हम इंट वाला सिनेरियो भी यूज कर सकते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज कैन बी ऑफ डबल। अगर हम डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी इन स्ट्रिंग। एक्टिव है वो स्टूडेंट या नहीं है,
वो क्या ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए वी कैन यूज बुलियन एज वेल. सो वी हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स एसोसिएटेड विद द क्लास. एंड देन वी हैव लिस्ट ऑफ मेथड. लिस्ट ऑफ मेथड मीन्स बेसिकली मेथड्स और फंक्शंस जो कि हम क्लास के अंदर डिटरमाइन करें कि दीज आर द मेथड्स एंड फंक्शंस ऑफ द क्लास. लेट से स्टूडेंट की क्लास के मेथड्स क्या हो सकते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट सीजीपीए, स्कॉलरशिप अवेल हो सकती है नहीं हो सकती. सो दीज ऑल आर द मेथड जो कि उन गिवन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे. सो सिंपल हमारे पास क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्टीशंस. फर्स्ट रिप्रेजेंट नेम ऑफ क्लास, सेकंड नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड नेम ऑफ मेथड. अच्छा, मेथड्स को जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं विद द नेम ऑफ मेथड. फॉरन उसके बाद जब राउंड ब्रैकेट आ गए इट मीन्स के दैट इज द मेथड. ठीक है, लेट सपोज एक सैंपल क्लास है हमारे पास बुक की. ठीक है, बुक की सैंपल क्लास में हमारे पास जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बुक का टाइटल जो कि स्ट्रिंग में होगा एंड ऑथर नेम आल्सो विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्म. ठीक है, आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन फॉर्म में होगा, पब्लिकेशन ईयर इंटीजर हो सकता है. ठीक है, आप और जितनी डिटेल्स जितना ज्यादा डिटेल्स डालना चाहें इट्स अप टू यू. एंड मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, सेट टाइटल, गेट टाइटल, सेट ऑथर नेम, गेट ऑथर नेम एंड टू स्ट्रिंग. ठीक है, दीज ऑल आर द मेथड्स. अच्छा, और ये जो यहाँ पे माइनस प्लस यूज हो रहा है, ये माइनस प्लस क्या है, ये हमें एक्सेसिबिलिटी लेवल बता रहे हैं. एक्सेसिबिलिटी लेवल मीन्स पब्लिक, प्लस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पब्लिक को. सो जहाँ पे जब पब्लिक साइन आ गया इट मीन्स दीज ऑल आर द पब्लिक मॉडिफायर्स, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपने यूटिलाइज किया है. जहाँ पे ये माइनस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइवेट. ठीक है, और हैश यूज होता है प्रोटेक्टेड के लिए जहाँ पे हम इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो आप इन सिंबल्स के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं. देखिए, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाए तो इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना, कोड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा कि हमें सारी चीजें पता है, हमें क्या करना है, जस्ट कोड करना है. विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. पब्लिक क्या है, विद इन द क्लास भी एक्सेसिबल हो सकता है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल हो सकता है. विद इन द विजुअल स्टूडियो आप प्लेटफॉर्म में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक. पब्लिक की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि लेट सपोज मैंने एक वाटर कूलर एट सेंटर ऑफ सिटी कहीं पे लगा दिया बाहर, सो दैट इज फॉर जनरल पब्लिक, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. सो अगर हम उसकी एक्सेसिबिलिटी देखें, मेंबर ऑफ द सेम क्लास कैन एक्सेस पब्लिक एट्रीब्यूट. Members of derived classes, derived class means जहाँ inheritance हो रही हो, so जो child class हो वो भी access कर सकते हैं public को, yes. And member of any other class जहाँ पे inheritance नहीं भी हो रही हो, अगर कोई और class भी उन public attributes को access करना चाह रही है तो वो access कर सकती है. लेकिन अगर class level variables हैं, object level variables हैं, instance level variables हैं, तो उनको हर हाल में access करने के लिए you have to create object first. चाहे पब्लिक हो या ना हो, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑफ दैट क्लास इन विच दैट वाज डिफाइंड. प्राइवेट की बात करें, सो प्राइवेट कैन ओनली बी डिफाइंड विद इन अ क्लास. उसी सेम क्लास के अंदर से आप प्राइवेट फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी यूज फॉर द ड्राइव क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट फॉर फ्रॉम एनी अदर क्लास. प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड विद इन अ सेम क्लास जहाँ डिफाइंड हुआ है वहां भी एक्सेस हो सकता है. And it can be accessible by the members of the child classes or derived classes. Inheritance में हम use कर रहे होते हैं protected को. और any other class जो inherit नहीं हो रही होगी उस class से जिसमें protected define है, वहाँ आपका protected accessible नहीं होगा. ठीक है, private की example जैसे मैंने एक simple water cooler की example ही मैंने center of city पे लगा दिया किसी भी चौराहे पे. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो public होगा, कोई भी उसको access कर सकता है, कोई limitation नहीं है. प्राइवेट माई ओन वाटर बॉटल, मेरी अपनी वाटर बॉटल. ठीक है, जिसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ, जिसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ मेरे लिए है. एंड प्रोटेक्टेड, लेट सपोज के कीट ने कोई जो है वो फैकल्टी के लिए अपना कोई डिस्पेंसर लगाया, तो वो किसके लिए एक्सेसिबल होगा, उस प्रेमिसेस के अंदर जितने लोग होंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो उस कैटेगरी के अंदर लाए कर रहे होंगे, सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट कुड बी द एग्जाम्पल्स फॉर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. जी क्लास, यहां तक क्लियर है?
ओके, रिप्रेजेंटिंग बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर. अ क्लास एम्बॉडीज अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लास. अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, बिहेवियर्स. ठीक है, कि वो क्लास क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है. ठीक है, उनको हम थ्रू मेथड जो है वो क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कैरिड आउट बाय द ऑपरेशंस डिफाइंड फॉर द क्लास. अच्छा, अब वो क्लास क्या रोल प्ले करेगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है. ठीक है, कि क्या क्या टास्क वो क्लास परफॉर्म कर सकती है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, थ्रू ऑपरेशंस, यानी कि मेथड्स और फंक्शंस. ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शंस भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कोर्स ऑफरिंग क्लास नीड्स टू बी एबल टू ऐड अ स्टूडेंट एंड रिमूव अ स्टूडेंट. इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, लेट्स सपोज हमारे पास जो कोर्स ऑफरिंग की क्लास है, जिसमें कोर्स ऑफर हो रहा है, उसमें जो है क्या होना चाहिए, स्टूडेंट ऐड भी होना चाहिए और रिमूव भी होना चाहिए. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कोर्स ऑफरिंग क्लास, ऐड अ स्टूडेंट एंड रिमूव अ स्टूडेंट. यानी कि वो क्लास क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, वो थ्रू एनी फंक्शन और मेथड होगा. सो वो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द क्लास. दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई टू ऑपरेशंस. वन दैट नोज हाउ टू एड अ स्टूडेंट. फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, जिसको पता होगा कि हमने स्टूडेंट को एड कैसे करना है. एंड अनदर वन इज हाउ टू रिमूव अ स्टूडेंट. द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास. अब जो आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, वो एट्रीब्यूट्स आपको ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहा होगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या क्या टास्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको उस क्लास के ऑपरेशन बता रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, A course class has the attributes of name, definition and number of credit hours. Let's suppose we have a course class, जिसमें हमारे पास attributes क्या हैं, course का नाम, course की definition, description and number of credit hours. कि उस course के credit hours कितने, 3 hours हैं, 3 plus 1 है, अगर lab है तो 3 plus 2 है, क्या credit hours है. Attribute values do not have to be unique. There are many 3 credit hour courses in the university. वो कह रहे हैं कि हम attribute values का unique होना जरूरी नहीं है. यूनिक क्या हो सकती है, सिर्फ कोर्स आईडी. कोर्स आईडी शुड बी यूनिक, दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड. हाउएवर नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स कैन नॉट बी यूनिक, क्योंकि सेम कोर्सेज के हमारे पास सेम क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं. तो एक से ज्यादा भी कोर्सेज ऐसे होंगे, ठीक है, तो एक से ज्यादा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जिसके क्रेडिट आवर सेम हो. सो जो नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स है, इट शुड नॉट बी यूनिक. तो जब आप क्लास डिफाइन कर रहे हो, तो उसको आपको एट्रीब्यूट्स को साथ साथ डिटरमाइन करना होगा कि एदर इट इज इट कैन बी यूनिक और नॉट. जैसे स्टूडेंट नेम है, तो एक ही नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रू स्टूडेंट आईडी. सो जो हम क्लास स्टूडेंट की बना रहे हैं, उसमें स्टूडेंट आईडी शुड बी यूनिक. यानी कि एक स्टूडेंट आईडी जब एक स्टूडेंट को असाइन हो गई, सो इट शुड नॉट बी रिपीट फॉर एनी अदर स्टूडेंट. That should be unique. Student name can necessary नहीं है कि unique हो. एक नाम के दो student हो सकते हैं, but हम उनको कैसे identify करेंगे, through their student IDs. So जब आप attributes define कर रहे हो, attributes define करते वक्त ही आपको ये define करना चाहिए कि कौन से attributes unique होंगे, कौन से attributes unique नहीं होंगे. Creating operations. How can we create operations within a class? Messages and interaction diagrams typically are mapped to operations of the receiving class. कह रहे हैं कि जो हमने interaction diagrams, चाहे वो collaboration diagrams हो गई या जो sequence diagram हो गई, उसमें जो messages हैं, उन messages को हम map करते हैं अपनी class diagram में as a operations of the receiving class. However, there are some special cases where the messages does not become an operation. वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे cases भी हैं, special cases, जिसमें हर message को हम एक operation में represent नहीं कर रहे होते. If the receiving class is a boundary class for a GUI, अगर हम कह रहे हैं receiving class जो है वो एक boundary class है या कोई form है, the message is a statement of the requirements for the GUI. उसके लिए message क्या होगा, statement of the requirements for the GUI. जैसे कि हम कोई क्लास बनाते हैं फॉर्म, उस फॉर्म में हम जो कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेथड्स बनते चले जाते हैं. कभी आपने ये चीज नोट किया विजुअल स्टूडियो में, जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं फ्रंट एंड, तो बैक एंड पे वो उसकी खुद से एक क्लास जनरेट कर देता है. अब उसमें जो जो चीजें हम उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लेट से एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो उसके लिए ऑटोमेटिकली एक
बैकएंड पे कोड जनरेट कर देता है। जब हम एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं तो वो बटन का एक्शन परफॉर्म एक क्या करता है, एक बैकएंड पे एक मेथड क्रिएट कर देता है। तो वो साथ साथ क्लास को खुद ब खुद मैप करता चला जाता है। सो उस केस में अगर हमारे पास जो रिसीविंग क्लास है वो कोई बाउंड्री क्लास है, लाइक कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कोई फॉर्म व्यू है, तो उसके मैसेजेस क्या होंगे, इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द GUI। उस GUI को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी दैट वुड बी द मैसेज ऑफ आवर जो के स्टेटमेंट्स होंगे। जैसे मैंने कोई फॉर्म बनाया, फॉर्म में जैसे जैसे मैं चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी फॉर्म की क्लास के अंदर, वो चीजें क्या बनती चली जाएंगी, मेथड्स के फॉर्म में बनती चली जाएंगी जो उस GUI को रन करने की रिक्वायरमेंट्स होंगी। This type of messages typically are implemented as some type of GUI control like buttons. देखिए उन्होंने भी ये example दी है। And are not mapped to operations since the behavior is carried out by the GUI control class itself. ठीक है, उस ऐसी classes को और ऐसे methods को आप अपनी class diagram में represent नहीं करेंगे क्योंकि वो उस graphical user interface का अपना एक method है जो उसको चलाने के लिए use हो रहा है। आप सिर्फ उस GUI की class को map करेंगे उसके method लाइक बटन कैसे काम कर रहा है, बटन के क्लिक होने पे क्या हो रहा है, क्लिक होने की फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे आप, लेकिन बटन को क्रिएट करने का जो मेथड होगा वो ऑटोमेटिकली खुद से ऑटो जनरेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेसर एक्टर मस्ट एंटर अ पासवर्ड टू स्टार्ट द एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो। ठीक है, प्रोफेसर की क्लास को क्या है, प्रोफेसर के एक्टर को अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा टू स्टार्ट एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो। This is represented as a message to the boundary class professor course operation. ठीक है, सो जो हमारे पास पासवर्ड वाला है, पासवर्ड के लिए क्या होगा, प्रोफेसर को पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन वाली जो बाउंड्री क्लास है उस पर लिंक करना पड़ेगा। पासवर्ड एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर करने के बाद उसके पास सारे मेन्यू आ गया। अब मेन्यू में वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एड अ कोर्स ऑफरिंग। सो वो क्या होगा, हमारे पास एक मैसेज होगा जो एक बाउंड्री क्लास के थ्रू जाएगा कि उन्हें प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन वाले मेथड को कॉल करना है। This will never be an operation of the user interface class. और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास professor course option है, कि जो boundary class है, ये कभी भी जो है वो user interface class का operation नहीं होगा। It will most likely be a text field on a window. वो हो सकता है कि simply एक text field हो, जो window पे आपको show हो रही हो सिर्फ, जैसे like label हो गया। So label पे click करना या label पे या text field पे enter करना is not an operation for that UI class. If the message is to or from an actor that represent a physical person, वो कह रहे हैं कि अगर एक person जिसको through एक message जा रहा है या जिस या तो एक person कोई message send कर रहा है या वो कुछ receive कर रहा है कोई operation, और वो जो actor है वो कोई physical person है, the message is a statement of human procedure. वो मैसेज क्या होगा, ह्यूमन प्रोसीजर की स्टेटमेंट हो सकती है एंड इज देयरफॉर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ यूजर मैनुअल। और उसको आप कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे, यूजर मैनुअल में, बट नॉट टू एन ऑपरेशन, बट उसको आप ऑपरेशन कंसीडर नहीं करेंगे सिंस इट डज नॉट मेक सेंस टू क्रिएट ऑपरेशंस फॉर ह्यूमंस। इन द एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो, वही एड अ कोर्स ऑफरिंग वाला सिनेरियो है। The fact that the professor must have some sort of password to activate the system is an important requirement that should be captured in the user manual. User manual जो initial document होगा उसमें भी आप ये चीज mention करेंगे, in order to be proceed further, a user should enter his password so that he can represent the menu, so that he can select any option presented in the menu. If the message is to or from an actor that represent an external system, अगर आपका actor जो है वो itself एक external system है, a class is created to hold the protocol that is used to perform the communication with the external system. So अगर external system से कुछ communication represent करनी है through method, तो उसके लिए आपको एक और class बनानी पड़ेगी और उस एक और class के through वो external system के through आप अपनी class को link कर सकते हैं। In this case, the message is mapped to an operation of the class. इस वाले केस में क्या होगा, जो मैसेज है वो आपकी ऑपरेशन ऑफ क्लास में मैप होगा। ऑपरेशन नेम शुड नॉट रिफ्लेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन सिंस द इम्प्लीमेंटेशन मे चेंज ओवर टाइम। कह रहे हैं कि जो आप ऑपरेशन का नाम रखें वो उसके इम्प्लीमेंटेशन को देख के नहीं रखें कि उस पर क्या काम हो रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में चेंज ओवर टाइम, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, यूजर मैनुअल में कुछ चेंज हुआ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज हो सकती है।
For example, each course offering object has a maximum of 10 students assigned to it. ठीक है, हर क्लास में मैक्सिमम, हर कोर्स में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट असाइन हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ईच कोर्स ऑब्जेक्ट हैज अ मैक्सिमम ऑफ 10 स्टूडेंट असाइन टू इट. यू मे नीड टू आस्क द कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट आर असाइन टू इट एट अ पॉइंट इन टाइम. वो कह रहे हैं अभी करंट टाइम पे भी आप कोर्स ऑफरिंग की क्लास से यह आइडेंटिफाई कर सकें कि अब तक कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं आउट ऑफ 10. Today the number is calculated by looking at these links from the course offering object to student object. तो यहाँ पे क्या होगा, एक course offering की class होगी जो link कर रही होगी student object की class को कि कितने students उस class में अब तक registered हो चुके हैं. An operation calculate number of students implies that there is a calculation involved. ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि उस operation का नाम हम रखें calculate number of students. So, ये क्या बता रही है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी जो कैलकुलेट कर रहा होगा कि इतने नंबर अभी तक स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं. ऑल्दो दिस इज द केस टुडे इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू. नेक्स्ट ईयर द इम्प्लीमेंटेशन मे चेंज टू स्टोर द वैल्यू इन अ फाइल. वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसी मेथड को में हम थोड़ी बहुत चेंजेस करें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाए कि हम कैलकुलेट ना करें, हम क्या करें, हम इम्प्लीमेंटेशन को स्टोर करें एक फाइल में, यानी कि जो जो स्टूडेंट्स अब तक रजिस्टर हो चुके हैं उनका नाम हम फाइल में स्टोर करें. सो उस केस के लिए कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर नेम ऑफ द ऑपरेशन. बेटर नेम फॉर द ऑपरेशन इज गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब इस गेट में ये नहीं पता कि वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा या किसी और फाइल में जाके उसको स्टोर करेगा कि दीज आर द टोटल नंबर्स हु आर रजिस्टर्ड इन द कोर्स. सो गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द बेस्ट चॉइस फॉर नेमिंग दिस ऑपरेशन एज कम्पेयर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए हमें साफ ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही होगी, जबकि गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि कैलकुलेट होने के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा. अब वो डिस्प्ले रिजल्ट विंडो पे भी हो सकता है या किसी डेटाबेस फाइल पे जाके भी वो स्टोर हो सकता है, किसी लेवल पे भी हो सकता है. ऑपरेशन में ऑल्सो बी क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन आपने सीक्वेंस या कोलेबोरेशन डायग्राम्स में शो किए हैं वही आपकी क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट हो. वो तो होंगे, लेकिन उसके अलावा आप इंडिपेंडेंट मेथड्स भी, ऑपरेशन भी अपनी क्लास डायग्राम में एड ऑन कर सकते हैं जो सीक्वेंस और कोलेबोरेशन डायग्राम में यूज नहीं हुए. दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑपरेशन दैट आर क्रिएटेड टू हेल्प अनदर ऑपरेशन. वो कह रहे हैं ऐसे ऑपरेशंस कौन से होंगे, दैट इज हेल्प ऑपरेशंस, जो किसी और ऑपरेशन को हेल्प करने के लिए यूज हो रहे हो, वो सीक्वेंस डायग्राम में अगर मेंशन नहीं है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ कोर्स माइट हैव टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेसर इज सर्टिफाइड टू टीच इट बिफोर इट एड्स अ प्रोफेसर एज अ टीचर. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा भी स्पेसिफाइड होना चाहिए विद इन अ कोर्स जो ये वेरीफाई करे कि जो प्रोफेसर उस कोर्स को ऑफर कर रहा है कि मैं ये कोर्स पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या वो प्रोफेसर उस कोर्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल भी है, लाइक ही हैज सर्टेन सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कोर्स, या उसके पास वो स्किल्स और एक्सपर्टीज हैं, उतना एक्सपीरियंस है कि वो उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके. सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट एक ऑपरेशन हो सकता है वैलिडेट प्रोफेसर कुड बी एन ऑपरेशन क्रिएटेड टू परफॉर्म दिस बिहेवियर. उसी क्लास में हमारे पास वैलिडेट प्रोफेसर का जो है वो एक मेथड हो, एक ऑपरेशन हो जो ये वैलिडेट करे कि वो जो प्रोफेसर जो इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं कि ये कोर्स मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो उसके पास उतनी स्किल सेट और एक्सपीरियंस भी है कि वो कोर्स पढ़ा सके. तो उसके लिए वी कैन क्रिएट वैलिडेट प्रोफेसर मेथड और ऑपरेशन एज वेल विद इन द क्लास. ये हमारे पास थी सीक्वेंस डायग्राम्स विद ऑपरेशन, ये वही सीक्वेंस डायग्राम है जो हमने अभी फर्स्ट सेशन में मैंने आपको थोड़ी